क्या ही मस्त लग रहा है दोस्तों हम लोग का कलोर घर, एकदम बिल्कुल मंदिर जैसा लग रहा है। ये देखिए पूरा एकदम खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनली हमारा कलोर घर में बांस लग चुका है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम ठठा गया है। तो सेक्शन को उठा लिए हैं दोस्तों और देखिए यहीं पर फटा हुआ है, देखिए कौन पत्थर मार के फोड़ दिया है। बहुत ही खराब लगता है, लेकिन क्या चीज बोले, मतलब लोगों का इतना ज्यादा जलाने होता है ना। यहीं पर थोड़ा मोड़ा बाकी था दोस्तों, तो वो भी हो गया है, देखिए पूरा एकदम बिछा दिए हैं। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग कल का वीडियो में देखे कि हम लोग आ गए हैं दोस्तों, शादी विवाह पार्टी खा करके एकदम आ गए हैं और ससुराल वगैरह भी घूम लिया दोस्तों साथ में, क्या जी? हाँ जी। पूरा एकदम मजा आया उधर। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों और हम लोग का काम का प्रोग्रेस देख लीजिए दोस्तों, कितना हुआ है 3-4 दिन में। ये देखिए एकदम थोड़ा सा बाकी है, अब ज्यादा बाकी नहीं है, अब हो जाएगा बहुत जल्द, है ना जी? हाँ जी। देखिए इतना हो गया है, अब मतलब लग रहा है कि ये कलवर घर बन रहा है हम लोग का। अब दिखने में भी काफी अच्छा लगने लगा दोस्तों, ये देखिए एकदम इतना अच्छा लग रहा है ना, और अंधेरा टाइप का लग रहा है, नहीं तो पूरा एकदम फाके फाक लगता था, क्या जी? हाँ। लेकिन अब अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा। हाँ, तो अंदर से इस तरह से दिखता है दोस्तों, बाहर से दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा लगता है देखने में। देखिए इधर भी हो गया है, देखिए पूरा एकदम बाहर तरफ हो गया, अब थोड़ा सा सिर्फ अंदर में ही बाकी है। ये देखिए एकदम अंधेरा लगने लगा, अब जब ये पूरा छरा जाएगा ना उसके बाद में तो और अंधेरा लगेगा। अब थोड़ा सा ही बाकी है दोस्तों, लेकिन देखिए कितना जल्दी एकदम कर दे मिस्त्री लोग, तो ठठा हुआ हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, तो चलते हैं ऊपर तरफ। तो हम आ गए दोस्तों कलवट घर के ऊपर और देखिए इतना काम हुआ है, देखिए पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है, क्या मिस्त्री साहब? हाँ। पूरा एकदम 3-4 दिन में कंप्लीट कर दिया ना? चार दिए तो। अच्छा, यानी कि चारों तरफ हो गया है दोस्तों। हाँ। देखिए इधर भी हो गया है, इधर भी हो गया है, सब तरफ हो गया है, अब सिर्फ यहाँ पर बिस्तरी बांधना बाकी है दोस्तों, नहीं तो हो गया सब। तो ये सबको मौसा जी काट दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो गया है, मेल नहीं खा रहा है इसीलिए काट दे रहे हैं, और ये वाला निकल जाएगा तो इधर लग भी जाएगा, क्या मौसा जी? हाँ, जहाँ जहाँ गैप है ना, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पर लग जाएगा, गैप है ना, देखा रहा है गैप। हाँ, तो सभी को जोर शोर से काम में लग गए हैं दोस्तों, और देखिये एकदम 90% काम हो गया है ठाठ वाला, अब यहाँ पर बाकी रहा सिर्फ खपरा छारना, वो भी हो जाएगा 2-4 रोज में, क्या मौसा जी? 2-4 रोज में ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा ना। यहीं पर थोड़ा मोड़ा बाकी था दोस्तों, तो वो भी हो गया है, देखिए पूरा एकदम बिछा दिए हैं, क्या मिस्त्री साहब? हाँ, पूरा हो गया। ओके हो गया ना, चलिए आप लोग आज कंप्लीट कर दिए, बहुत खुशी लगा। तो ठठा हुआ तो सब चीज दिखा दिए दोस्तों, अब बाकी का काम कल दिखाएंगे, 90% तो हो गया है, 10% ही बाकी है, तो भी कल दिखा देंगे। तो चलिए आज मतलब मिस्त्री लोग का भी टाइम हो गया है और आज बाजार भी है गांव का, क्या मिस्त्री साहब? तो ये लोग भी बाजार वगैरह करेंगे, ये लोग घर निकलेंगे अब। तो चलिए अब छुट्टी कीजिए, अब नीचे उतरते हैं, चलिए और बाकी का काम कल दिखाएंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं कल का वीडियो में। तो अभी सुबह हो चुका है दोस्तों, तो आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए दोस्तों मिस्त्री लोग आ गए हैं और देखिए काम पे लग गए हैं, अभी इसको काट दे रहे हैं, काट जो बाहर निकल गया है, जो यहाँ पर बांस बांधे हुए हैं दोस्तों इससे बाहर हो जा रहा है, इसीलिए इसको काट दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो है पानी गिरेगा तो ये सड़ेगा नहीं, इसीलिए काट दे रहे हैं, ना मिस्त्री साहब? और एक लेबल भी दिखेगा दोस्तों, एकदम अच्छा भी लगेगा, इसलिए काट दे रहे हैं सब। और बाबू देखिए सुबह सुबह इसको प्यास लग गया, अभी पानी पी रहा है ना बाबू? देखी देख रहा है, तो गिलास ले लिया है। तो मिस्त्री साहब अभी काट रहे हैं दोस्तों, ये देखिए एकदम आरी से मस्त काट रहे हैं, और ऊपर में भी लग गए हैं दोस्तों मौसा जी लोग, देखिए पूरा एकदम कांड वगैरह बांध रहे हैं। यहाँ पर पहले हम लोग दीवार दिए थे दोस्तों ताकि बकरी वगैरह ना चढ़े, लेकिन यहाँ पर पापा का कहना है कि अच्छा नहीं दिख रहा है, और ये मतलब पानी वगैरह भी चुने का संभावना रहेगा, इसलिए मौसा जी सोचे कि ये वाला बांध देते हैं कांड को, दे देते हैं। हाँ जी, इस तरह से जो दिए हुए हैं बाहर जो निकाल दिए हैं पूरा, थोड़ा सा एक हाथ उतना इधर भी निकाल देंगे तो अच्छा भी लगेगा, और यहाँ पर पानी भी नहीं जाएगा अंदर, ये सुरक्षित हो जाएगा। और यहाँ पर बकरी सब चढ़ने जैसा लगेगा, तो यहाँ पर घोरना भी घोर देंगे ताकि चढ़ेंगे नहीं। देखिए इस तरह से भी यहाँ पर दिए हुए हैं कांड, इसको बोलते हैं कमर वाला, यहाँ पर देखिए इसको लगा दिए हैं और यहाँ पर कांड दे दिए हैं ताकि ये झूलेगा नहीं, मतलब नीचे नहीं दबेगा, ये मजबूत रहेगा। तो सभी कोई जोर शोर से काम में लग गए हैं दोस्तों, और उधर देखिए मम्मी अभी शरबत बना रही है, बन गया माँ? बन गया है, हाँ इधर लेकर के आइए। और इन दिनों का धूप देखिए दोस्तों कितना तेज उगा हुआ है, पूरा एकदम काफी गर्मी बढ़ गया है, पूरा इतना ज्यादा गर्मी लगता है ना, एकदम मुंह सूख जाता है, एकदम इतना ज्यादा गर्मी लगता है, क्या मौसा जी? हाँ, पूरा एकदम होंठ सूख जाता है, एकदम इतना तेज गर्मी बढ़ा दिया है, काम भी बढ़ गया है, घूमते हुआ काम। हाँ,
और ये वाला काम तो जानते ही हैं दोस्तों कितना मेहनत का काम है। और इधर देखिए दोस्तों मम्मी भी आ गई पानी लेकर के, शरबत है ना माँ? हाँ दीजिए मौसा जी लोग को दीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों झरना तरफ, मशीन खराब हो गया है तो उसी को बनाने के लिए जा रहे हैं। और क्या चीज़ हुआ है दोस्तों आप लोगों को वहीं पर जाकर के दिखाएंगे, बहुत ही खराब लगता है लेकिन क्या चीज़ बोले, मतलब लोगों का इतना ज़्यादा जलाने होता है ना, वहाँ पर जाएंगे तो ही आप लोगों को बता पाएंगे कि क्या चीज़ हुआ है। तो साथ में दो को ट्यूब भी ले लिए हैं दोस्तों, तो आप चलते हैं इसको बांधेंगे। तो हम लोग झरना पहुँच गए दोस्तों, आइए जी। हाँ चलिए चलिए बांधते हैं जल्दी। हाँ चलिए बांध, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए ना, पूरा टूट गया है जी, इसीलिए ना लोग घुस जाते हैं। और आज झरना में पानी भरा हुआ है दोस्तों, देखिए थोड़ा भर गया है, उस दिन तो पूरा एकदम सोख गया था लेकिन आज थोड़ा सा उठ गया है पानी। क्या जी करना नहीं था ना? हाँ इसके लिए भर गया है, देखिए इतना लेयर हो गया है इसका पानी का। तो वो जो सेक्शन है दोस्तों उसी में कोई फोड़ दिया है पत्थर मार के, तो पहले हम रस्सी खोल लेते हैं, देखिए वहाँ पर रस्सी बांधा हुआ है। रंगीला पापा चला गया रस्सी खोलने के लिए, अच्छा खोलिएगा जी, बहुत ऊंचा है। हाँ, तो सेक्शन को उठा लिए हैं दोस्तों, और देखिए यहीं पर फटा हुआ है, देखिए कौन पत्थर मार के फोड़ दिया है, और देखिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, पूरा यहाँ से फटा, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा फट गया, गोल गोल हो गया। हाँ इसीलिए पानी नहीं चढ़ रहा है ना जी, इतना फटा हुआ है तो कहाँ से जाएगा पानी, क्या जी? हाँ जी देखिए पूरा एकदम पत्थर इतना बड़ा मारा होगा तब जाके ये फटा है, नहीं तो छोटा मोटा से नहीं फटता, इतना पत्थर होगा। हाँ बड़ा ही पत्थर होगा, उसी से फटा है। तो इसमें ट्यूब बांध देते हैं दोस्तों तत्काल के लिए, नहीं चलेगा तो फिर नया लेना पड़ेगा, तो पहले देख लेते हैं चलता है कि नहीं ना जी। हाँ जी तो कविता जी अभी ट्यूब से बांध रही है दोस्तों, टाइट हो रहा है ना? हाँ हो रहा। तो पूरा एकदम बांध लिए हैं दोस्तों, देखिए पूरा एकदम अच्छा तरह से बांध दी कविता जी, अब तो चलना चाहिए है ना जी। चलिए डुबाते हैं, अब इसको पकड़िए है ना, हम बांधने जाते हैं ट्यूब से ही, यहाँ बांध दिए और रंगरा पापा भी जा रहे हैं बांधने के लिए रस्सी को, तो अच्छा से बांधिएगा जी। हाँ जी डुबाइए ना। हाँ छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हाँ चला गया, वही वाला ठेकने दीजिएगा। हाँ हाँ बस। तो रस्सी अच्छा तरह से बांध दिए हैं दोस्तों, और देखिए फुटबॉल भी डूब गया है, अब पानी उठाते हैं भरने के लिए मशीन में, देखिए पानी भी इतना गंदा हो रहा है ना, साफ कर लेते हैं नहीं तो कचरा हो जाएगा मशीन में। हाँ चलिए लीजिए जी। हाँ लीजिए, रुकिए नहीं मारे करंट नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं फिर लीकेज करता है कि क्या है ना जी। हाँ। अबर तो नहीं करना चाहिए। लीजिए जी पकड़िए। हाँ पकड़िए। चलिए डालिए। भर गया जी, भर गया, तो आराम से घुसने दीजिए। टूटा है जी। हाँ काम चलेगा, दूसरा ट्यूब ला करके बांधना पड़ेगा। तो फीता को अच्छा तरह से बांध लिया दोस्तों, अब लाइन लगा देते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं, चलने का तो चला, ठीक है जा रहा है ना? ठीक है जा रहा। चलिए इतना भी पानी जाएगा ना तो ठीक रहेगा, चलिए करंट मारता है जी। हाँ लोहा भींजा है ना भूआ। चलिए ठीक है काम चल जाएगा। हाँ काम चल जाएगा। हाँ चलिए अब चलते हैं। हाँ चलिए चलो बाबू चलो, आइए। देखो बुन्नी चुरा है जी। नहीं चुरा है ना, चलिए तो अब चलते हैं। चलिए आप डंटा ले लेंगे। ले लीजिए, साथ में रहेगा एक डंटा ना। हाँ। बूढ़ी हो गए हैं क्या जी? तो पानी आ गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम प्रेशर के साथ आ रहा है, चलिए जी फटाफट भरिए। अच्छा मोड़ गया है ना, इसको सोच कर लेते हैं।
तो कविता जी अभी पानी भर रही है दोस्तों, देखिए भर ली पूरा एक ड्राम ना जी। हाँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना साफ पानी दिख रहा है, वहाँ पर गंदा दिखता है लेकिन यहाँ पर पूरा एकदम साफ दिख रहा है ना जी। चलिए ये भर गया, अब यही बाकी है ना जी। हाँ, ये बड़ा वाला ड्राम है दोस्तों, यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है ना तो हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, एकदम नहाने धोने के लिए एकदम आराम से हो जाता है। और मिस्त्री साहब भी आ गए दोस्तों पानी पीने के लिए। क्या मिस्त्री साहब, बहुत जोर प्यास लग रहा है। कविता जी और बर्तन लेके आ रही है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम दोनों हाथ में पकड़ ली है, बसनी ड्राम सब भर लिए है ना जी, सब उठा लिए और लेके आ रहे हैं। चलिए भरिए फटाफट, ड्राम पूरा भर गया है दोस्तों, अब इसमें डालते हैं पानी। तो सभी में पानी भर लिए हैं दोस्तों, और अभी देखिए कविता जी बर्तन धो रही है, और लक्ष्मी देखिए कितना मस्त खेल रही है। क्या लक्ष्मी, हम चलते हैं जी उधर काम करते हैं। तो हम आ गए दोस्तों काम पर, और देखिए अभी तक काटिए रहे हैं, हो गया बाकी। अच्छा इधर दो बाकी है ना, और उधर देखिए दोस्तों पूरा ठाठ भी लगा दिए जो बाकी था, और देखिए कितना लेवल लग रहा है एकदम, कितना मस्त पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम एक लेवल का हो गया। क्या मिस्त्री साहब, पूरा एक लेवल हो गया ना। मौसा जी तो एकदम पूरा एकदम एक लेवल कर दिया यहाँ से वहाँ, पूरा मेल कर दिया। चलिए बढ़िया लगने लगा, अब वहाँ पर पानी भी नहीं जाएगा क्या? नहीं। इधर पूरा एकदम बिस्तरी बांध के कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, ये देखिए तीनों साइड हो गया है, अब इधर सिर्फ बाकी है, यानी कि 100 में से 95% काम हो गया है, अब सिर्फ 5% ही बाकी है। सिर्फ देखिए यहाँ पर बिस्तरी बांधना बाकी है, तो अभी बांधा ही रहा है, अभी बांध रहे हैं मिस्त्री लोग। और इधर देखिए मौसा जी लगे हुए हैं एकदम बांधने में ना मौसा जी। हाँ, तो आज तो कंप्लीट हो जाएगा मौसा जी। बिस्तरी बांधल कंप्लीट हो जाएगा ना। तो दोनों मिस्त्री काटने में लगे हुए हैं दोस्तों, देखिए जो जीता हुआ है उस सबको काट दे रहे हैं, जो बाहर निकल गया है उस सबको काटते हुए। देखिए इधर पूरा एकदम इधर मौसा जी लगे हुए हैं एकदम बिस्तरी बांधने में। देखिए इसको बिस्तरी बोला जाता है दोस्तों, इसको क्या होता है बांधने से कि यहाँ जो बांस दिए हुए हैं इसके नीचे इधर उधर होगा, हाँ इधर उधर होगा नहीं, पूरा एकदम टाइट रहेगा और ये छलकेगा भी नहीं। क्या मौसा जी, जब इसमें खपड़ा छराएगा ना उस समय ये वाला टाइट रहेगा, पूरा एकदम छलकेगा नहीं, इसलिए बिस्तरी को बांधते हैं। देखिए कितना मजबूत से बांध दिए मौसा जी, थोड़ा ही बचा हुआ है दोस्तों बिस्तरी बांधने के लिए। देखिए अभी मौसा जी बांध रहे हैं, इतना बांधा जाएगा तो हो जाएगा, और शाम भी हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा बेड़ा डूब गया है। तो ये कंप्लीट हो गया ना मौसा जी? हाँ कंप्लीट है, रेडी हो गया ना? रेडी हो गया, रेडी हो गया। तो देखिए सभी मिस्त्री अभी बैठे हुए हैं, देखिए पूरा अभी मतलब घर जाने का तैयारी कर रहे हैं ना मौसा जी। हाँ हाँ, अब चल करेंगे, शाम हाँ, हो गया, शाम हो ही गया। तो हमारा कलवट घर बांस बंधा करके रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए क्या ही मस्त लग रहा है, एकदम मंदिर जैसा लग रहा है, जो जय का जो मंदिर होता है ना उसी तरह से लग रहा है। तो फाइनली हमारा कलवट घर में बांस लग चुका है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम ठठा गया है, और हम लोग का क्या ही मस्त लग रहा है दोस्तों, हम लोग का कलवट घर पूरा एकदम ठठा गया, तो एकदम मंदिर जैसा लग रहा है, जय का जो मंदिर होता है ना उसी तरह से लग रहा है, देखिए क्या ही मस्त लग रहा है। देखिए पूरा बिस्तरी वगैरह सब बांधा गया है दोस्तों, चारों तरफ एकदम बांधा गया है, पूरा रेडी हो चुका है, अब कल से यहाँ पर एकदम खपरा चढ़ेगा, उसके बाद में छराना शुरू हो जाएगा। क्या मौसा जी? हाँ हाँ। तो चलिए अब छुट्टी कीजिए। हाँ चलिए चलिए। बहुत ही दिनों के बाद में आज रेडी हो पाया है दोस्तों बांस बांधा के, कल से अब यहाँ पर छराना शुरू हो जाएगा। तो मिस्त्री सब चले गए दोस्तों, और मौसा जी भी चले गए, तो हम भी उतरते हैं, और बहुत दिनों के बाद में कंप्लीट हो पाया है दोस्तों हम लोग का कलवट घर, वही बांस बांधाया है, कल से तो फिर यहाँ पर छारना भी है। तो अब चलते हैं, पैर हाथ धोते हैं, बहुत दिनों के बाद में हो पाया है आज, पूरा एकदम खुशी लग रहा है देख करके। तो हम आ गए दोस्तों धोने के लिए, यहीं पर धोते हैं पैर हाथ। तो सोनम क्या कर रही है? पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, पकौड़ी काटे हैं अभी आलू। और ये देखिए दोस्तों सोनम आज पकौड़ी बनाने जा रही है, देखिए आलू काट ली है ना सोनम। हाँ। तो चलिए फटाफट बनाइए। हाँ, तो कविता जी भी आ गई है दोस्तों बर्तन धोने के लिए, अब हम भी चलते हैं पैर हाथ धोते हैं, पूरा एकदम गंदा हो गया है, और शाम भी हो गया है दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।